धनबाद व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश की मौत होती है तो हो, उसके रहस्य पर से पर्दा उठने में देरी हो तो होती रहे, इन सब से धनबाद पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। उसे तो सिर्फ मतलब है अवैध कारोबार की नगरी धनबाद में अपने हित साधने से, जहां सरकारी महकमा के लोग लाखों रुपए खर्च कर अपनी पोस्टिंग कराते हैं। अपने पोस्टिंग में लाखों रुपया खर्च करेंगे तो वसूलेंगे भी तो यहीं से। तो हम बात कर रहे हैं वसूली की, जो लगाया है उसे वसूलने के लिए उस खेल की जो धनबाद में शुरू कर दिया गया है, वो भी अवैध कोयला के कारोबार की हरी झंडी दिखाकर। पिछले 5 दिनों से कोयले के इस खेल को परवान चढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे पुलिस महकमे के कई किरदारों ने लगकर कोयला कारोबार की जो स्क्रिप्ट तैयार की है, उसमें पुलिस विभाग के ऊपर से नीचे तक के लोग शामिल हैं। अखबार नवीसों को भी शामिल किया गया है ताकि बदस्तूर अवैध कोयले का कारोबार चलता रहे। कई कोयला माफियाओं को इसमें शामिल कर उन्हें छूट दे दिया गया है। कोयले का अवैध कारोबार बना पुलिस की हरी झंडी के संभव नहीं है। धनबाद कोयला क्षेत्र में एसएसपी के रूप में आईपीएस संजीव कुमार आए हैं। उन्हें रामगढ़ कोयला क्षेत्र से वहां भेजा गया है। कोयला क्षेत्र में क्या होता है, कैसे होता है, वे इससे अनभिज्ञ भी नहीं है। इस खेल में उनके माथा अधिकारी जिस तरह लगे हैं, उसमें सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसमें उनकी सहमति या राज्य महकमा या सरकार की सहमति है, क्योंकि कोयले की कालिख जब उड़ेंगे तो सवाल उठेंगे ही। तो कोयले के इस खेल में पर्दे के पीछे क्या तय हुआ है, जिसने कारोबार को हवा दे दी है? सूत्रों का कहना है कि धनबाद में मनी महतो और निरसा के कुख्यात कोयला तस्कर मैनेजर राय अभी खुद हुए अवैध कोयला कारोबार के कर्ता धरता हैं, जिसमें सेटिंग डीएसपी स्तर के 2 अधिकारियों की है। इस खेल में अभी तक जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनमें महामाया फ्यूल के मालिक रमेश गोप, नाथ सॉफ्ट कोक और ताज सॉफ्ट कोक गोविंदपुर के संचालक बाबा परमेश्वर कोल के मालिक योगेंद्र राय, बालाजी इंडस्ट्रीज के मालिक टुन्ना सिंह, गलफरबड़ी थाना अंतर्गत दुधिया पानी के पिंटू सिंह, गोविंदपुर अंतर्गत सुपर भट्टा बरवा के मालिक संजय सिंह, कतरास के रोहित यादव शामिल हैं। हालांकि ये सभी अभी अवैध कारोबार में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, पर जो खेल खुद हुआ है और अवैध कोयले से लदे वाहन धड़ाधड़ जिस तरह निकल रहे हैं, उससे साफ है कि धनबाद में अवैध कोयला कारोबारियों की बल्ले बल्ले है।